हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। फ्रेंड, एक वीडियो में मैंने बताया था कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, तो इंटरव्यू देने गया था मैं। वहां क्या हुआ, किस तरह से इंटरव्यू हुआ, अगर आप मोटर लाइन में जुड़ा रहना चाहते हैं तो किस तरह से आपको इंटरव्यू देना है, किस तरह से आप सैलरी का बात करेंगे, तो ये सब का पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो उन लोगों को मालूम चल जाए। तो फ्रेंड, वहां जब मैंने गया तो दो लोग पहले से था, पहले से बैठे हुए थे, तो दो लोग का इंटरव्यू हो रहा था। तो मैं वहां गया, तीन नंबर में हमारा लाइन था, तो मैं वहां जाकर के बोला। तो हमारा एक्सपीरियंस 20 साल का था जो वहां पे काम आया, मैं सब चीज मालूम था हमको। तो मेरा इंटरव्यू हुआ तो दोनों थे तो नए ड्राइवर थे, तो उनको पूरा तो जानकारी नहीं था, रोड जानकारी नहीं था। तो उस ड्राइवर से मिल करके मैं बात किया था कि क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या बताया, तो मेरे को सिलेक्शन कर लिया था। तो मेरे को बोला कि आप आकर के यहाँ पे नौकरी कर लीजिए। तो सैलरी का बात मैंने किया था, तो सैलरी का बात किया तो सैलरी बहुत कम दे रहा था मेरे को। 15 इधर में मिल रहा है, जहाँ पे पुराना जगह में काम कर रहा था, तो वहाँ पे 12 देने के लिए बोल रहा था। तो मैं सोचा 15-16 अगर देगा, कंपनी का ड्यूटी है, तो मैं वहाँ पे नौकरी कर लूँगा। लेकिन नहीं, वहाँ पे 12,000 था और ये फैसिलिटी बताया, ओवर टाइम बताया, ये बताया। तो मैंने सैलरी, मैंने उसको बोला कि 12,000 रुपया में आप जॉब में रखना चाहते हैं, अच्छे ड्राइवर को रखना चाहते हैं, तो मेरे को 15 वहाँ पे मिल रहा है, तो मैं 12 में नहीं करूँगा। तो मैं वहाँ पे नहीं छोड़ दिया। तो हमारा एक आप लोग को बताना चाहेंगे जो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो देख रहे थे, हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो उनको बोला, तो कमेंट कर रहे थे, उनको मैं बताया, तो वो बोले ठीक है मैं कर लूँगा। तो उनको मैं वहाँ पे फ्रेंड लगवा दिया हूँ, अच्छा लड़का है, उनसे बात मिला था, मैं बात किया था, तो उनसे को लगा दिया, वो जॉब वहाँ पे कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग को बताना चाहेंगे कि आप लोग कहीं भी नौकरी का इंटरव्यू देने जाएं कंपनी में, या किसी हो हाउस ड्राइवरिंग करना चाहते हैं, वहां जाकर के आप बात करना चाहते हैं, तो वहां पे जाकर के पूरा सैलरी का तजुर्बा आपको होना चाहिए कि मार्केट में कितना रेट हो चल रहा है, कितना ड्राइवर का भी सैलरी है, इस तरह से आप बात करेंगे। नहीं तो शायद आपको कम सैलरी मिलने लगे, बाद में आपको मालूम चलेगा कि नहीं हमको इतना मिलना चाहिए, इतना मिल रहा है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, फिर आप सोचेंगे मैं जॉब छोड़ दूंगा, हमको कम मिल रहा है, तो उस तरह फिर काम में दिल नहीं लगता है। सैलरी अगर आपका अच्छा रहेगा तो काम में दिल भी लगेगा, काम भी करने में एनर्जी आएगा, सैलरी अगर सही है तो। अगर बाद में किसी ड्राइवर से, चाहे किसी अगल बगल से आपको मालूम चलता है, या अगर ऑफिस के स्टाफ से ही मालूम चल जाएगा कि आपका सैलरी कम है, तो आपको फिर प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए पूरी जानकारी हमारे चैनल में मिलेगा, आप ड्राइवर का, रोड का, आप कहीं भी हैं, आप कोलकाता में तो आपका पूरा रोड मालूम नहीं है, तो उसका भी जानकारी आपको मिलेगा, ड्राइवर का हो, सैलरी का, गाड़ी का, सभी हमारे चैनल में वीडियो मिलेगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।